वह सती हमें दो दयानि दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। खाना ऐसा बनाना चाहिए कि बस उसे देखते ही भूख लग जाए। बस साफ सुथरा रहे खाना, जहाँ पे आप खाना बना रहे हैं वो प्लेस साफ सुथरी होनी चाहिए। खाना जब भी बनाएं अपने हाथों को धुल के बनाएं, और खाना बनाने से पहले आप स्नान ज़रूर कर लें। तो मेरा कुछ ऐसा ही नियम होता है, जब भी हम खाना बनाते हैं मेरी ज़्यादातर कोशिश रहती है कि स्नान करने के बाद ही किचन में आएँ। लेकिन हाँ, उससे पहले चाय जो होती है हमारे घर में, चाय बन जाती है। खाना तो हम स्नान करके ही बनाते हैं, लेकिन चाय जो होती है सुबह बन जाती है। उसके बाद हमारे घर में झाड़ू पोछा होता है। पोछा कभी कभी स्किप हो जाता है, लेकिन झाड़ू तो रोज़ का नियम है। झाड़ू लगती है, फिर होता है पूजा। पूजा करने के बाद सीधा हम किचन में आते हैं, यानी स्नान और ध्यान दोनों करके भी किचन में आते हैं। ऐसा रोज़ का नियम है। और खाना ऐसा होना चाहिए कि बस उसे आँखों से देखो तो लगे कि हाँ बस इतना अच्छा बना है। तो आज के खाने की तैयारी अभी कर रहे थे, खाने में बना है रायता, बन चुका है, आप लोगों ने देखा ही है। यहाँ पे हमने चने की दाल को भिगो के अच्छे से फ्राई कर लिया है, और इसको अब हम पीसेंगे सिलबट्टे पे। वैसे तो मिक्सी थी, लेकिन सिलबट्टे से आज पीस रहे हैं। हमने सोचा सिलबट्टे से पीसने पे अच्छे से पीस जाती है दाल, और अगर हम मिक्सी में इसको पीसते हैं तो मिक्सी में जो है ये लिपट सी जाती है, अच्छे से निकलती नहीं है, और मिक्सी भी ख़राब होने का डर रहता है। तो हमने सोचा दाल को आज हम सिलबट्टे पे ही पीस लेते हैं, मिक्सी को क्यों ख़राब करना। वैसे भी इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, अगर ख़राब हो जाएगी तो फिर बनने में दिक्कत होगी, इसलिए आज हम दाल पीस रहे हैं यहाँ पे बाहर सिलबट्टे पे। सिलबट्टा से बड़ा जो हमारा ये पीसने वाला है और वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और सिल जो है हमारी छोटी है। तो यहाँ पे दाल पिस चुका है, अब हम इसको ले चलते हैं अंदर, और आज इसकी बनाएंगे पूरन पूरी। हम यहाँ हमारे यहाँ इसको पूरन पूरी बोलते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं सब्जी बनाने की, आलू की सब्जी चटपटी बनाएंगे। तो यहाँ पे खड़ा गरम मसाला ले लिया है, और अदरक लहसुन हरी मिर्च ले लिया है। इसको खलबत्ते से खूनेंगे। खलबत्ते से खूनने में से थोड़ा सा ये क्रश हो जाता है, दरदरा हो जाता है, और जब इसको पेस्ट जो है ताज़ा ताज़ा हम सब्ज़ी में डालते हैं तो एक अलग ही इसका टेस्ट आता है, चटपटा सा, जैसे चाट वगैरह होता है आलू की सब्ज़ी में, या फिर छोले में, या फिर राजमा में, जब इस तरह के मसाले हम डालते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा कि जो भी बनाए ताज़ा फ्रेश कुटा हुआ बनाए, जैसे प्याज हो, गरम मसाले हो, अदरक लहसुन हो, छील के तैयार करके, सारी तैयारी करके ही जो है खाना बनाना शुरू करती हूँ। आलू हमने उबाल लिया था, छील लिया था, उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ के रख दे रहे हैं। इसकी सब्ज़ी बनाएंगे पूरन पूरी के साथ। आलू की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। अब हम टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाएंगे। तो एक टमाटर लिया है, एक प्याज लिया है, इसको ग्राइंड जार में डाल के ग्राइंडर कर लेंगे तो इसका एक पेस्ट बन जाएगा। साथ ही साथ इसमें सूखे मसाले डाल दे रहे हैं, हल्दी, सब्जी मसाला और थोड़ा सा किचन किंग डाल दे रहे हैं। दो तीन मसाले यूज करते हैं, धनिया वगैरह नहीं यूज करते, बस थोड़ा सा जीरा और गरम मसाले। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने कूट के तैयार ही कर लिया है, तो जो है मिक्सी के जार में डाल के उसका पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट तैयार हो चुका है और एक अच्छा सा मसाला तैयार हो चुका है। और ये मसाले से अगर सब्जी बनाएंगे तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी लजीज, इतनी चटपटी सब्जी बनती है, क्या बताएं। अब आटा तैयार कर लेते हैं। पूरियों के लिए आटे बनाते समय थोड़ा सा नमक उसमें डाल देते हैं, और इससे थोड़ा सा जो हमारा आटा होता है जब हम पूरियां बनाते हैं तो सादा सादा फीका फीका नहीं लगता है, इसलिए आप नमक इसमें ज़रूर डाल दें। पूरी पराठे का आटा जब भी बनाएं तो एकदम से मुलायम बनाएं, जितना ज़्यादा गीला रहेगा आपका आटा उतने ही अच्छे आपके पूरी पराठे बनेंगे। हमेशा से यही आपको बताते हैं, देख सकते हैं कितना मुलायम आटा है, एकदम गीला गीला, जितना हम रोटी बनाते हैं उससे भी गीला होना चाहिए पराठे के आटे, तभी आपके पराठे फटेंगे नहीं, अच्छे बनेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह के 9:30 बज रहे हैं, अभी आप लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हम तैयारी में जुटे थे खाना बनाने की, खाने में मतलब लंच की तैयारी कर रहे थे, और हमने सोचा आप लोगों से बात कर लेते हैं, उसके बाद खाना बनाना शुरू करते हैं।
और आज छुट्टी है, बच्चों की छुट्टी रहती है लेकिन इनकी भी छुट्टी है, तो इसलिए कोई जल्दी नहीं है। मौसम इतना अच्छा हो रखा है कि क्या बताएं, बदली है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस मौसम में पराठे खाने का मन है। सुबह होते ही बच्चों का एक ही सवाल मुझसे रहता है, मम्मी आज क्या बनेगा। और जब मेरा सवाल बच्चों से रहता है तो वो कहते हैं कुछ भी बना दो। तो आज हमने सोचा कि चलो पराठे बनाते हैं, लेकिन आलू के पराठे नहीं, दाल के पराठे बनाते हैं। तो दाल वगैरह हमने उबाल के पीस लिया है सिलबट्टे पे, आज दाल पीसी है। सब्जी बनाने के लिए मसाला तैयार कर लिया है, रायता हमने तैयार करके रख लिया है। आज बहुत दिनों बाद रायता बना रहे हैं, बहुत दिनों बाद, आई थिंक 2-3 महीने हो चुके होंगे रायता खाए हुए। तो दही भी थी और खीरा भी आया हुआ था कल की सब्जी में, तो हमने खीरे का रायता बना लिया है और अब हम खाना बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा प्रेयर करते हैं। ये प्रेयर तब हम करते थे जब स्कूल में जाते थे और पढ़ाई करने से पहले, तो आज हम खाना बनाने से पहले ये प्रेयर करते हैं क्योंकि पढ़ाई करने से भी पहले प्रेयर करते हैं और खाना भी भाई बनाते हैं, तो सबसे पहले प्रार्थना से शुरू करते हैं। आज ऐसा कर रहे हैं, बाकी पहले कभी नहीं करते थे खाना बनाने पहले। आज मेरे दिमाग में पता नहीं क्या, सुबह से वही पहले वाली प्रार्थना कभी कभी याद आ जाती है, तो जैसे पूजा करते कभी हम कभी कभी गुनगुनाते हैं मन में। वह शक्ति हमें दो, दयानिधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। और सही बात है, कर्तव्य मार्ग हमारा है ही, हमारा कर्तव्य है खाना बनाना खिलाना। पहले कर्तव्य होता था पढ़ना लिखना, अब कर्तव्य है खाना बनाना। दूसरी लाइन है, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। और सही बात है, पर सेवा, अपनी सेवा न करके यहाँ पे दूसरों की सेवा करते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं और हम तो हैं ही, हमारे हाथों पे 3 लोग डिपेंड करते हैं जिनका सेवा करते हैं, अपने बच्चों की और हस्बैंड की। तो चलिए फिर, पर सेवा पर उपकारन में जग जीवन सफल बना जाए, शुरू करते हैं अपनी सेवा और बनाते हैं अपने कर्तव्य में डट जाते हैं, खाना बनाते हैं। उसके बाद आप लोगों से बातें तो होती रहेंगी, सारा दिन पूरा दिन पड़ा है, और पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। यहाँ पे हमने गैस पे छोटी बहू रानी को चढ़ा दिया है, यानी छोटी कढ़ाई को चढ़ा दिया है, उसमें तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, तड़के में राई दाना आधा चम्मच डाल देंगे। आजकल राई दाना डाल के सब्जी में बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तड़के में कड़ी पत्ता डाल दिया है ढेर सारा, और कड़ी पत्ता, राई दाना, जीरा, आजकल तीनों चीज़ों का जो है तड़का लग रहा है, छोले में भी, राजमा में भी, या फिर आलू की सब्जी में। और जो हम खलबत्ते में मसाला कूट के रखे थे उसको डाल दिया। खलबत्ते में मसाला आपने देखा ही, हमने गरम मसाला कूटा था, थोड़ा सा काली मिर्च और इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, और जो मसाला हमने पेस्ट बना के तैयार किया था ग्राइंडर में, प्याज टमाटर और मसाले, जो सब्जी मसाले वगैरह डाल के, उसको डाल दिया है। सभी मसाले को अच्छे से भूनना है जब तक तेल इससे अच्छे से तेल नहीं छोड़ देता हमारा मसाला। नमक डाल दिया, इसको ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने से छींटे नहीं आते हैं और मसाला हमारा जल्दी पक जाता है। मसाला अच्छे से पक चुका था, कलर भी चेंज हो चुका था। अब हमने आलू जो तोड़ के रखा था उसको डाल दिया है। सब सब्जियों में मुझे आलू की सब्जी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, चाहे आलू की मसालेदार सब्जी हो या सूखी सब्जी जैसे हम व्रत में खाते हैं घी में फ्राई करके, वो वाली सब्जी, दोनों सब्जी हमें बहुत अच्छी लगती है। हमारे साथ साथ हमारे घर में भी सबको बहुत पसंद आती है। तो जब हम पूरन पूरी के पराठे बना रहे थे तो हमने सोचा उससे खाने के लिए चटनी तो बनाएंगे लेकिन आलू की सब्जी भी बना देते हैं। पानी डाल दिया है, सब्जी हमारी जो है उबल चुकी है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि आलू तो उबली हुई है। ऊपर से धनिया की पत्ती डाल देते हैं, सब्जी बन के तैयार है। आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। यहाँ पे अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। पूरन पूरी के पराठे हमने एक दो बार शेयर किया है। सबसे पहले हमने लोइयाँ कट कर ली है, बड़ी बड़ी लोई ली है, और 5-6 हम जो भर के तैयार कर लेंगे पूरी के, जो ये लोई है, सबसे पहले 5-6 लोइयों में ये जो हमने तैयार किया है चना का, चने की पिट्ठी बोलते हैं इसको, चने की पिट्ठी को भर देंगे और उसके बाद बेलना शुरू करेंगे। इससे होएगा ये कि हमारे पराठे जल्दी जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे जब हम तैयार करके रखे रहेंगे।
तो ये तैयार हो चुके हैं, चार पांच हमने तैयार कर लिया है। अब हम बेलते हैं। बेलने से देख सकते हैं आप, धीरे धीरे बेलन चलाएं, जल्दी जल्दी नहीं चलाएं, आराम से, आराम आराम से। अगर आप जल्दी जल्दी बेलेंगे तो फट ही जाएंगे पराठे। आराम आराम से बेलें। देखिए कितने अच्छे से पराठे बेल लिया है हमने, और उसको तवे पे भी डाल दिया है सिकने के लिए। दूसरा पराठा हम बेलना शुरू करते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी पराठे बेलेंगे एक भी नहीं फटेंगे। पहले हमारे पराठे बहुत फटते थे क्योंकि तब उतना पता नहीं होता था शुरू शुरू में, लेकिन अब खाना बनाते 15 साल हो चुके हैं और कुछ भी बनाओ तो बस बस यही रहता है हमारी कोशिश कि खाना साफ़ सुथरे से बनाएं और इतना टेस्टी बनाएं, इतना टेस्टी बनाएं कि बस उसे देखते ही बच्चे, मतलब बच्चे बड़े सबको भूख लग जाए। और होता भी वही है, खाना इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि सबको पसंद आता है। घर में कुछ भी बन जाए, आलू की सब्ज़ी बन जाए, चटनी ही बना देते हैं तो चटनी में भी इतना ज़्यादा स्वाद होता है कि सब लोग चटनी रोटी भी खा लेते हैं। बच्चों को खाना दे दिया है, अब इनके लिए पराठे बना दिए हैं, सबके लिए बना दिए हैं, सब लोग खाना खा लिए हैं। हमारे YouTube फैमिली भी आ जाइए आप लोग खाना खाने। आलू की सब्जी है, रायता है, आम की चटनी है, पराठे हैं, चावल हमने नहीं बनाए हैं आज खाने में। तो यहाँ पे हम भून रहे हैं बाल, इसको भुट्टा भी कहते हैं, गोरखपुर में इसको मकई कहते हैं। जब हम गोरखपुर में आए तब इसका नाम पता चला कि गोरखपुर में इसको मकई कहते हैं, हमारे मायके में इसको बाल बोलते हैं, ससुराल में इसको भुट्टा बोलते हैं, तो कई नामों से जाना जाता है। यहाँ पे हमने भुट्टा भून लिया है, चार बाल हमने भूनी है, भुट्टा कहें, मकई कहें, जो भी कहें, सब में नमक और नींबू लगा दे रहे हैं ताकि स्वाद और बढ़ जाए। बस बच्चों को दे दे रहे हैं, हम भी खाएंगे। आज शाम के नाश्ते में बस मकई ही था, मकई खाने के बाद हमने चाय भी पिया था। और शाम के टाइम इनके पापा यहाँ पे ईंटा लगा रहे हैं, देख सकते हैं ये ईंटा, बच्चों ने खेल खेल में इधर उधर में गेंदा खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं। और यहाँ पे गोलू की शैतानी आप देख ही सकते हैं, बच्चे कितने ज़्यादा। भिंडी सारा फूल गिर जाए, पाइप नीचे रख दो ना तो कनवा उखाड़ ले भाई हम। और गोलू अपने शैतानी में जुटे हुए हैं, गोलू इतने बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी शैतानी से करने से बाज नहीं आते। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी इसलिए इसके आगे हमने नहीं शूट किया, यहीं पे इस वीडियो का करेंगे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल पुतमाज ब्लॉग गोरखपुर। बाय बाय, टेक केयर।